मेरी क्लास है। मैं समझ सकता हूँ ये तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल घड़ी है, मगर माफ करना, मैं सिर्फ दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारे गम में शरीक होकर तुम्हारी दिलजोई तो करता, मगर अब मेरे और तुम्हारे दरमियान ऐसा कोई रिश्ता नहीं आया, दोस्ती का वो खूबसूरत ताल्लुक जो कभी हम दोनों के लिए बहुत मायने रखता था, अब खत्म हो चुका। मैं तुम्हारे दुख में शरीक तो हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पास तुम्हें तसल्ली देने के लिए अल्फाज नहीं है। मेरा दिल तो आज भी सलवा के लिए बेकरार है। पता नहीं वो इन हालात का कैसे सामना कर रही होगी। सच्चाई तो उसके सामने भी आ गई है। जी मैम, बस यही वजह थी जिसकी वजह से वहां को गिरफ्तार किया गया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि बहाज को क्या मिला इनके बाबा को मार। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि बहाज ने किया। सारे सबूत बहाज के खिलाफ है, यहाँ तक के फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ चुकी है। जिस गन से गोली चलाई गई थी वो गन बहाज की थी। इंस्पेक्टर साहब, अगर बहाज ने वाकई ऐसा किया तो किसी भी हाल में कानून की गिरफ्त से बचना नहीं चाहिए। मैं अपने बाबा के कातिल को माफ नहीं करूंगी। बहाज सिर्फ इनके बाबा का कातिल ही नहीं है, वो मेरी बच्ची की खुशियों का भी कातिल है। इसकी हस्ती मुस्कुराती जिंदगी का खून किया है उसने। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। मैम आप इत्मीनान रखिए, ऐसा ही होगा। अलमीर के छोटे भाई को तो उसी वक्त बेगुनाह करार दे दिया गया था जब आप दोनों की फैमिलीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर रही थी, और ये सब वहां जानता था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने मिस सलवा से तलाकनामे पर साइन करवाए। क्या ये बात अलमीर और उसकी फैमिली जानते हैं? जी हाँ, लेकिन तो बहुत देर हो चुकी थी। वाज ने ये बात सबसे छुपा कर रखी थी। अमीर, चाय भी। थैंक यू। बेटा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी बेटा। जी बोलो। मामा एक मिनट, आप प्लीज मेरी शादी वाला टॉपिक दोबारा मत छेड़िएगा। मैं आपको बता चुका हूँ मैंने शादी नहीं करनी। मैं ये कब कह रही हूँ कि तुम अभी शादी कर लो? मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम कोई लड़की पसंद कर लो अपने लिए। बल्कि तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर लेती हूँ, बस तुम हाँ कह दो। आपने कहीं ऑलरेडी कोई लड़की पसंद तो नहीं कर रखी मेरे लिए? इस बार मेरी पसंद की लड़की इस घर में आएगी। मामा मैं आपको समझा चुका हूँ, और कैसे समझाऊं? मुझे शादी नहीं करनी है। आप क्यों जबरदस्ती किसी को मेरी जिंदगी में शामिल करना चाहती हैं? मैंने शादी करनी नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा है बेटा? कौन सा मैं अभी रिश्ता लेकर जा रही हूँ? लेकिन हाँ, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो मेरी, मैं तुम्हारे लिए लड़की पसंद कर चुकी। कौन? अब वो मैं वक्त आने पे बता दूंगी तुम्हें। मम्मा मेरी बात